हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम एक मॉडर्न चेस मिनिएचर देखेंगे जो कि अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही खेली गई है। गेम 8 जनवरी को टूर्नामेंट थी, कॉलेजिएट चैंपियनशिप ओपन। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ब्लैक ने वाइट को सिर्फ 17 मूव्स में ही बीट कर दिया, और वो भी जो है केरोकान डिफेंस खेलते हुए। सो डेफिनेटली वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, सो मैंने गेम देखी और गेम देखने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा जो है गेम है और ये जो है आपको देखना चाहिए। तो इसलिए मैं गेम आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें वाइट से खेल रहे हैं ड्रैगलेव एंड्री, जो कि रशियन इंटरनेशनल मास्टर है। सामने खेल रहे हैं कमिल ड्रैगुन, जो कि पोलिश ग्रैंड मास्टर है, और उनका जो है हाईएस्ट जो येलो है पीक रेटिंग वो ऑलमोस्ट 2625 तक रहा है। सो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो ब्लैक साइड से खेल रहे। सामने जो वाइट से खेल रहे वो भी इंटरनेशनल मास्टर है, सो ऑफकोर्स गेम की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर e4 व्हाइट ने खेला, ब्लैक ने खेला c6 केरोकान डिफेंस। नाउ d4 d5 कैप्चर्स, और ये है एक्सचेंज वेरिएशन केरोकान डिफेंस का, जहाँ पे व्हाइट खेलता है बिशप टू d3। और जब भी d4 और d5 पोन एक दूसरे के साथ लॉक होते हैं, आपका किंग का बिशप जो होता है, आई मीन लाइट स्क्वायर बिशप व्हाइट के लिए, और ब्लैक के लिए डार्क स्क्वायर बिशप, वो d3 एंड d6 पे काफ़ी अच्छा प्लेस होता है। और वहाँ से कई बार जो है बिशप कैप्चर h7 जैसे सेक्रीफाइस जो है वो आम बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेंच डिफेंस के सामने खेल रहे हो और आपका पोन e5 पे है, नाइट f6 पे नहीं है, देन बिशप कैप्चर h7 जो है वो काफ़ी कॉमन टैक्टिक्स है जो आपको आनी चाहिए। बट बिशप का ये बेस्ट प्लेसमेंट है। नाइट टू c6 ब्लैक ने खेला, एंड नाउ पोन ऑन d4 पे अटैक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाद में आपको जो है डिस्कवर में कुछ मिल रहा है, आप सीधा ही मार दोगे, और डिस्कवर देने की ट्राई भी करते हो तो सेम नाइट जो है b5 को कवर कर रही है। सो c3 नाउ g6, यहाँ पे वाइट ने खेला बिशप टू f4, जबकि उधर नाइट टू f3 ज़्यादा पॉपुलर है। सो बिशप टू f4 जो है ऑलरेडी छोटी सी इनएक्यूरेसी, ऐसा नहीं है इससे गेम के रिजल्ट में जो है कोई बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बट ये बिशप का सही प्लेसमेंट नहीं है। सेम बिशप का प्लेसमेंट e3 पे हो सकता था या फिर जो है g5 पे भी हो सकता था। और बिशप f4 क्यों खेला जाता है उसको पहले समझते हैं। बिशप f4 तब खेला जाता है जब ब्लैक अपना बिशप d6 पे ला सकता है, क्योंकि वो उसके लिए जो है बेस्ट प्लेसमेंट है। और वाइट क्या करता है कि अपना टेक्निकली बैड बिशप, जो आपका पोन का कलर होता है, उस कलर का बिशप आपका टेक्निकली बैड बिशप होता है, क्योंकि सेम पोन उस बिशप की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करता है। सो इसलिए बिशप f4, और जब भी ब्लैक बिशप d6 पे ले आता है, वाइट उसको कैप्चर करना चाहता है। बट जैसा कि ब्लैक ने g6 खेला है इस पोजिशन में, दैट मीन्स बिशप टू g7 जाने वाला है। तो अब जो है बिशप f4 कमिट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम बिशप e3 पे भी जा सकता है एंड g5 पे भी जा सकता है। सो इसको हम बोलते हैं लाइक प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जिस पीस के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उसको जो है आप लास्ट में डेवलप करो। और नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ ओपनिंग में क्या होता है कि आपका क्वीन साइड का जो बिशप होता है वो लास्ट में ही डेवलप होता है। बट एनीवेज, बिशप टू f4 वाइट ने खेला, एंड नाउ बिशप टू f5, और ब्लैक भी यहाँ पर सेम कर रहा है अपना जो बैड बिशप है, क्योंकि उसका पोन लाइट स्क्वायर में है, सेंटर का पोन, सो टेक्निकली लाइट स्क्वायर बिशप बैड बिशप है, वो वाइट के गुड बिशप के सामने वो एक्सचेंज कर रहा है। बट सामने कुछ कमिट भी कर रहा है, क्योंकि बिशप कैप्चर्स अगर f5 आता है, देन जी कैप्चर्स ऑन f5, और f5 पे आपके पोन डबल्स हो रहे हैं। बट उसी डबल पोन की वजह से ब्लैक को e4 स्क्वायर का स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल रहा है। यहाँ पर आगे चल के अब ब्लैक अपना माइनर पीसेस ले जा सकता है, स्पेशली द नाइट, और वो जो है काफ़ी अच्छा आउटपोस्ट बन सकता है इन फ्यूचर। और वहाँ पर अगर आप f3 करते हो तो कुछ जो है आप भी कमिट कर रहे हो, कुछ आप भी वीकनेस क्रिएट कर रहे हो। इस पोजीशन से गेम कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो सकती है। नाइट f3, नाउ e6, क्वीन b3, पोन पे अटैक है, एंड से क्वीन टू d7, देन नाउ नाइट e5, नाइट कैप्चर्स, बिशप कैप्चर्स, एंड नाउ f6। लग ऐसा रहा है अब क्योंकि बिशप तो मूव हो जाएगा, और बाद में ये स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है। और आपका कैसल जो है वो किस साइड अप करोगे आप, क्योंकि जो है लॉन्ग साइड कैसल इतना अच्छा डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि बिशप सेम डायगनल में रहेगा, लाइक h22 b8 डायगनल में, जहाँ पे वो काफ़ी डेडली होगा। और दूसरी ओर वहाँ पे लाइंस ओपन करना वाइट के लिए इजी है, क्योंकि वो c4 खेलेगा, तुरंत ही लाइंस ओपन कर सकता है। बट कैसल आप क्यों करते हो? कैसल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा किंग सेफ हो और रुक गेम में आए। सो वही चीज़ अगर आप दूसरे तरीके से कर पाओ तो ज़रूरी नहीं कि आप कैसल कमिट करो। यहाँ पर किस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकती है? बिशप g3 एंड नाउ h5। सो आइडिया है h4 अगर मौका मिलता है तो खेलना है। सो से आप जो है बिशप h4 खेलते हो, बट नाउ किंग f7।
सब देखिए किंग जो है कम्प्लीटली सेफ है F7 पे, क्योंकि उसके पोन्स जो है सेंटर में काफ़ी ज़्यादा है, पोन मास काफ़ी अच्छा है एंड ब्लैक का डेवलपमेंट यहाँ पे क्वाइट ईजी है। आप जो है बिशप D6 के लिए जा सकते हो, देन नाइट E7 टू नाइट G6 के लिए जा सकते हो, कई केस में नाइट टू H6 के लिए जा सकते हो और आराम से जो है अपने रुक्स को गेम में ला सकते हो। लाइक रुक H8 वाला जो है आगे चल के G5 पे आ सकता है। सो बेसिकली ब्लैक का डेवलपमेंट में कोई भी इश्यू नहीं है। सो अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि हम कैसल क्यों करते हैं, किंग सेफ्टी एंड रुक गेम में आए इसलिए। अगर सेम चीज़ आप दूसरी तरीके से कर सकते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है कैसल ही करो। सो ये जो है कंटिन्यूशन हो सकता था, बट हमारी गेम में बिशप टू F5 के बाद वाइट ने डिसाइड किया कि वो बिशप को एक्सचेंज नहीं करेगा। उसने खेला बिशप टू E2 एंड नाउ E6। और मैं नॉर्मली इस तरह की मूव जो है प्रीफर नहीं करता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर देखिए आप अभी जो है चेस खेलना शुरू किया, आप बिगिनर हो, देन इस तरह की मूव से दूर रहो, क्योंकि उसमें आपके बिशप के जो है पीछे जाने के रास्ते दोनों बंद हो गए। दैट मीन्स कभी भी जो है बिशप ट्रैप हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक रीज़न है कि अभी बिशप ट्रैप नहीं हो रहा है। से आप जो है G4 खेलते हो, बट देन बिशप E4 रुक पे अटैक करो एंड आफ्टर पोन F3 जैसे हम जो है इसको कैप्चर कर सकते हैं, और जो ये पोन पुश हुए उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पोन पुश होंगे वो सेम पोन आपके थोड़े वीक पोन भी बन गए और एंड ये डायगनल जो है ओपन हो चुका है। फिलहाल के लिए हम उसका जो है इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते, बट लेटर ऑन जो है कर सकते हैं अगर हम जो है डास्क और बिशप एक्सचेंज करने में कामयाब हो जाए तो। सो गेम में चलते हैं, जहाँ पे E6 के बाद खेला गया अब नाइट टू F3। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सॉरी E6 के बाद से यहाँ पे आप ट्राई करते हो बिशप को ट्रैप करने की विथ नाइट टू D2। अब आइडिया है G4 बिशप को ट्रैप करना है, बट उसमें H5 आ जाएगा और ये बिशप ट्रैप नहीं होगा। सो E6 एंड गेम में खेला गया नाइट F3 एंड नाउ बिशप टू D6, बिशप कैप्चर्स ऑन D6, क्वीन कैप्चर्स ऑन D6 एंड नाउ कैसलिंग शॉट। और इस पोजीशन में ब्लैक यूजुअली नाइट G2 E7 खेलता था, बट इस गेम की एक नोवेल्टी थी नाइट टू F6 एंड नाउ नाइट टू A3 वाइट ने खेला H5। सो ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक क्या करना चाहता है कि उसका किंग इवन सेंटर में भी अच्छा है, ज़रूरत पड़ी तो किंग F8 किंग G7 वो ले जा सकता है। डास्क और बिशप है नहीं, दैट मीन्स ये डायगनल जो है उस पर कुछ हो नहीं सकता, A1 H8 डायगनल पे। सो किंग G7 पे होगा, रुक जो है ऑलरेडी H5 पे अटैक करेगा, दूसरा रुक भी जो है अटैक को ज्वाइन कर सकता है, नाइट G4 के लिए जा सकती है और स्पेशली क्वीन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायगनल पर प्लेस है, जहाँ पे नाइट टू G4 एंड बिशप F3 के बाद थ्रेट होगी बिशप कैप्चर्स ऑन F3 एंड देन H2 पे चेकमेट। इस पोजीशन में H5 एंड नाउ नाइट टू C2, प्लस नाइट को शायद E3 पे ले जाना है, पर नाउ नाइट टू G4 गेम में खेला गया एंड नाउ H3। और अब आप इस नाइट को कहाँ मूव करोगे या फिर मूव नहीं करोगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे ब्लैक ने जो है नाइट को मूव नहीं किया, ब्लैक ने खेला बिशप टू E4 एंड काफ़ी सिंपल चीज़ है यहाँ पे, बिशप कैप्चर्स ऑन F3 एंड क्वीन टू H2 हम चेकमेट करना चाहते हैं। सो G3 एंड नाउ H4 एंड जस्ट गेम इज़ ओवर। बट उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हम H कैप्चर्स G4 यानी कि नाइट को मार सकते थे कि नहीं। जैसे ही मैंने बिशप E4 खेला इस पोजीशन में, क्या हम इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट आफ्टर H कैप्चर्स G4 आपको यहाँ पे नाइट दे ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वीन जो है वो H2 पे चेकमेट हो रही है। सो अगर आप G3 खेलते हो देन ब्लैक खेल सकता है रुक H3, उसके बाद लॉन्ग कैसल एंड सेम रुक जो है H8 पे आएगा और इवन जो है चेकमेट की थ्रेड लग जाएगी। राइट, हम खेल सकते हैं रुक H1 किंग हियर एंड देन बिशप कैप्चर्स चेक और उसके बाद जो है दूसरा रुक H2 पे मेट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक है यहाँ पे ब्लैक के लिए। सो बिशप E4 के बाद तो आप जो है नाइट को कैप्चर नहीं कर सकते। सो G3 खेला क्योंकि बिशप कैप्चर F3 के बाद चेकमेट हो रही थी G3 एंड नाउ ब्लैक ने खेला H4। और इस पोजीशन में अब फाइनली वाइट ने डिसाइड किया कि वो G4 पे कैप्चर करेगा और ये गेम की सबसे बड़ी मिस्टेक है। बट इस पोजीशन में आप क्या खेलोगे? से आप खेलते हो लाइक नाइट टू D2, बट देन यहाँ पे नाइट कैप्चर्स ऑन F2 जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आफ्टर रुक कैप्चर्स ऑन F2 सिंपली क्वीन कैप्चर्स ऑन G3 चेक किंग F1 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन H3 चेक किंग E1 एंड नाउ क्वीन G3 सिंपली इस रुक को पिन करो एंड देन H3 H2 एंड H1 जो है वो काफ़ी डेडली है, क्योंकि वाइट के सारे पीसीस जो है वो क्वीन साइड है, किंग साइड जो है कोई है ही नहीं और इस पोन को जो है कोई स्टॉप कर सके ऐसा फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे भी ब्लैक के पास काफ़ी अच्छा अटैक है। सो H4 के बाद वाइट ने डिसाइड किया कि वो G4 पर कैप्चर करेगा और यहाँ से जो है गेम अब ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ रखा नहीं है। एच कैप्चर्स ऑन G3 और यहाँ पर थ्रेट किया है, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। रेडी, थ्रेट ये है कि हम बिशप कैप्चर्स ऑन F3 खेलना चाहते हैं, आफ्टर बिशप कैप्चर्स F3 जस्ट पोन टू G2, जिसमें रुक पे तो अटैक होगा बट साथ साथ जो है
क्वीन टू एच टू चेकमेट की थ्रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप अलर्ट नहीं रहते हो, देन हम खेल सकते हैं लाइक से आप खेलते हो ए थ्री, आपको जस्ट थ्रेट दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, देन बिशप कैप्चर्स जी टू, और आप किंग से मारो या बिशप से मारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर रुक भी मूव करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वीन एच टू चेकमेट हो जाएगी उधर। सो इसलिए एच टेक्स ऑन जी थ्री के बाद काफ़ी बड़ी थ्रेट है बिशप कैप्चर्स एफ थ्री और उसके बाद जी टू की। इस पोजिशन में से आप बिशप टू डी थ्री खेलते हो, फिर क्या होगा? फिर हम खेल सकते हैं यहाँ पर जी टू, क्योंकि उसमें अगर आप बिशप कैप्चर एफ थ्री करोगे तो क्वीन कैप्चर एफ थ्री आ जाएगा और बाद में जी टू में क्वीन से कैप्चर हो सकता है, एंड सेम क्वीन जो है वो डिफेंस कर सकती है। बट हम पहले ही जो है वो जी टू खेलेंगे, एंड आफ्टर बिशप कैप्चर्स ई फोर यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन है, रुक को मारो किंग कैप्चर्स एंड अब जो है बिशप को मार दो, और ये पोजिशन ब्लैक के लिए कम्प्लीटली विनिंग है क्योंकि वाइट का किंग वीक तो है ही, साथ साथ हमारे पास जो है मटेरियल भी ज़्यादा है, अब जो है एक्सचेंज आ चुका है, सो कम्प्लीटली विनिंग फॉर ब्लैक। गेम में क्या हुआ, एच टेक्स ऑन जी थ्री के बाद खेला गया नाइट टू ई थ्री, बट अब सिंपली जी टू, सो रुक पे अटैक है। अगर आप रुक मूव करते हो देन उधर जो है बिशप कैप्चर एफ थ्री, बिशप कैप्चर्स एंड देन जो है क्वीन एच टू चेकमेट हो रही है। नाइट कैप्चर्स ऑन जी टू गेम में खेला गया, बट अब जो है बिशप कैप्चर्स ऑन एफ थ्री और यहाँ पे अब चेकमेट सेव नहीं हो रही है। बिशप कैप्चर्स ऑन एफ थ्री के बाद सिंपली एच टू पे मेट हो रही है। आप चाहो तो नाइट एच फोर खेल सकते हो, चेकमेट को एक मूव के लिए डिले कर सकते हो, बट उस केस में भी रुक कैप्चर्स ऑन एच टू और बाद में जो है गेम जस्ट फिनिश हो रही है। सो इसीलिए ब्लैक के बिशप कैप्चर्स ऑन एफ थ्री के बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन में वाइट ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये गेम और ये वीडियो? आई होप मेरा वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।